फील्ड लेंगे तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है यहाँ जो ये आयन है कैटाइन है दिस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर हमें और एक चीज कहेंगे ऐसे हम वही अमाइनो एसिड लेंगे, हम अब बेसिक मीडियम देंगे। बेसिक मीडियम का मतलब होता है OH। This base will abstract this proton. It will abstract this proton to form RCHNH2COO-. This is anion. Now, in the presence of electric field, this anion will move towards anode. This will move towards anode in the presence of electric field. Okay. Now, at a particular pH, which is in between acid and base medium, there is no migration. There is no migration. हम फिर से बनाएंगे कि हमारे पास ऐसे था, हमने क्या किया, हमने एसिडिक मीडियम पहले ले लिया। अगर हम बेसिक भी लेंगे ऐसे क्या बन गया, यहां से ऐसे बन गया। यहां से ऐसे बन गया और CH NH3 पॉजिटिव। फिर हमने क्या किया, हमने बेसिक मीडियम दे दिया और CH NH2COOH। फिर यहां से हमने जब बेसिक मीडियम इसको दे दिया, इट एबस्ट्रैक्ट प्रोटॉन, तो क्या बन गया, RCH NH2COO-. दिस इज बेसिक मीडियम, इट मीन्स दैट देयर इज अ बेसिक मीडियम pH इज अराउंड 7 to 10, वेयर इज इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम द pH इज अराउंड 3 to 5। So, उससे क्या होगा, दोनों हमारे एनायन और कैटायन बन गए, दे मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। अब एट अ पर्टिकुलर pH विच इज अराउंड 6 or 6.1, देयर इज नो माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक दिस। एट दैट पॉइंट व्हाट इज इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ बोथ एनायन एंड कैटायन। So there is no net movement at a particular pH, at pH around 6 or 7. There is no net movement of ions towards anode or cathode. At that very pH, where there is no migration of cations and anions towards respective fields, this type of pH, it is known as, that point is known as isoelectronic point. हमने क्या किया, पहले हमने एसिडिक मीडियम ले लिया, वहां से कैटायन बन गया, इट मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। फिर हमने बेसिक मीडियम दिया, वहां एनायन बन गया, इट मूव्स टुवर्ड्स एनोड। बट जब हमने बीच में पीएच रखा, इसका मतलब ना एसिड है ना बेस है, इट इज न्यूट्रल। एट न्यूट्रल पॉइंट और एट न्यूट्रल पीएच वी कैन से दैट देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ ions to any other electrode, to any one electrode. This, at that point, this is known as isoelectronic point. Now, what is the application of isoelectronic point? Isoelectronic point का मतलब होता है, isoelectronic point पे क्या होता है, there is least solubility of amino acids. Least at iso electronic point, there is least solubility of amino acids. Least solubility of amino acids. It means that the separation can be easily done at that very point.
फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। जब हम हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन करते हैं तो पेप्टाइड बनता है, फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे अमाइनो एसिड्स बनते हैं। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सेपरेशन, हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बनाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से लीस्ट सॉल्युबिलिटी होती है, सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स।